तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर रिपोर्ट ऑटोमेशन, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं फाइल मेनू बार के। तो हम बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कल की क्लास में हमने आपका एड्रेसिंग सिस्टम्स के बारे में सीखा और हमने आपको बताया कि कैलकुलेशन कैसे होता है, ये हमारे लास्ट क्लास की टॉपिक। अब इसमें हम बात करते हैं हमारे फाइल मेनू में कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस, उसको एक बार देख लेते हैं। न्यू आपको पता ही है कि नया वर्कबुक ले या फिर अपने टेम्पलेट्स ले, ओपन ओपन करते हैं इनको वगैरह, इन्फो से आपकी फाइल की इंफॉर्मेशन की, फाइल की साइज क्या है, प्रॉपर्टी वगैरह, पाथ वगैरह। मान लीजिए कभी फाइल की पाथ आपको पता ही चल रहा है कि फाइल कहाँ सेव है, क्योंकि भी जरूरत होती है खासकर ऑटोमेशन वगैरह में ताकि लिंक वगैरह कर सके, तो यहाँ से आपको इसका पाथ दिख जाएगा। ठीक है, सो ऑल प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे तो पूरी प्रॉपर्टीज खुल के आ जाएगी, या फिर आप यहाँ से भी पाथ कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फाइल ओपन करता हूँ, तो सेव फाइल नहीं अनसेव फाइल है। अब यहाँ पे मैं, मुझे इस फाइल का पाथ चाहिए, तो कॉपी दिख रहा होगा आपका जी, कॉपी पाथ हमने क्लिक कर दिया, तो ये आपका अभी एक्सेल शीट पे जाके पेस्ट कीजिए, आपको यहाँ पाथ मिल जाएगा फाइल। इसमें एक चीज और है, यहाँ पे कॉपी फाइल लोकेशन, ठीक है, ओपन में आते हैं या फिर राइट क्लिक करके भी आप इस पे फाइल लोकेशन या कॉपी फाइल कर सकते हैं। अब इसका यूज कर सकते हैं ओपन फाइल लोकेशन, तो इस फाइल जहाँ पे सेव है वो आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा। सही, इन्फोसिस की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें शेयरिंग का ऑप्शन है, शेयर पे क्लिक करते हैं, तो इसको आपको वन ड्राइव, जैसे कि अगर आपने अटैच एंड कॉपी या पीडीएफ में इसको कर सकते हैं, शेयर ड्राइव में के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग पे जो शेयर ड्राइव होता है ना उस पे। उसके बाद हम बात करते हैं सेव या सेव एज पे। अगर फाइल आपकी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फाइल आपकी सेव एज होगी। सेव एज करते समय यहाँ पे आपके रिसेंट होते हैं उसको सिलेक्ट करें या फिर ब्राउज पे चले जाए। तो ब्राउज पे जब आते हैं तो यहाँ पे आपके फाइल के लोकेशन, जो कि डिफॉल्ट आपका माई डॉक्यूमेंट होता है, यू कैन चेंज। यहाँ के फाइल के नेम आप डाल सकते हैं, बट नेम डालते समय ध्यान रखिएगा कि स्लैश एक्सेप्ट नहीं करता है नेम, तो स्लैश ना डाले। कभी कभी क्या होता है कि डेट, समय डेट, जिस डेट के नाम से फाइल बनानी होती है, जैसे कि 9/2019, अभी इस नाम से फाइल आपकी सेव नहीं होगी, क्योंकि फाइल का पाथ नेम जो है इनवैलिड है, क्योंकि इससे इसका पाथ होता है। तो इसमें आप डॉट लगा सकते हो या फिर डैश लगा सकते हो। मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि 25/9/2019 इस नाम से फाइल आपकी सेव हो जाएगी। सही, हम बात करते हैं फाइल की टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट आपको फाइल का टाइप होता है एक्सेल वर्कबुक, मतलब कि .xlsx का फॉर्मेट। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि अगर आप फाइल को .xlsx की फॉर्मेट में रखते हैं तो ये फाइल आपका माइक्रो डिसेबल फाइल होता है। ये फाइल आपका किसी भी तरह का माइक्रो कंटेंट को कॉपी, माइक्रो कंटेंट को स्टोर नहीं करता है, किसी भी तरह के माइक्रो कंटेंट को कॉपी स्टोर नहीं करता, सॉरी। अब मतलब कि अगर इस फाइल के अंदर में किसी भी तरह का माइक्रो हुआ, जैसे कि आपने कोड किया वीबीए या रिकॉर्ड किया, वो माइक्रो को सेव नहीं करेगा, उसको डिसेबल करेगा। तो उस केस में अगर आपके फाइल में माइक्रोज है तो आप यहाँ पे माइक्रो एनेबल वर्कबुक इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, माइक्रो एनेबल वर्कबुक, क्लियर है जी। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्सेल बाइनरी वर्कबुक है। अब एक्सेल बाइनरी वर्कबुक का इस्तेमाल क्यों करते पता है सर? नहीं, मैं यूज नहीं किया कभी आज तक। जैसे कि आपके पास कोई ऐसा फाइल हुआ, काफी बड़ा फाइल होगा, ठीक है, काफी बड़ा फाइल होगा,
अब उस बड़े फाइल को अगर आप ओपन करते हैं तो आपसे आपका कुछ टाइम जो है कंज्यूम करता है, राइट right. ठीक है mm-hmm. आपका कुछ फाइल आपका कुछ साइज कंज्यूम करता है, साइज कुछ ऐसा है जो कंज्यूम करता है आपका, तो उसको कम करने के लिए जैसे कि आपने अगर 500 या 700 MB की फाइल ओपन करते हो तो ये आपको ओपन पे कैलकुलेशन परसेंटेज दिखाता है, वर्किंग स्लो होती है, तो ऐसी फाइल को आप बाइनरी वर्कबुक में सेव कर, बाइनरी वर्कबुक में सेव करने से आपकी फाइल जो है कम हो जाती है उसकी साइज, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका जो फाइल वो डेटा होना चाहिए, फॉर्मूला कैलकुलेटेड या फॉर्मेटिंग वगैरह हो तो नहीं, ये बाइनरी फॉर्मेट में सेव करता है, सिर्फ ये डेटा को सेव करता है। okay. तो मेरे लिए चार यूज करते हैं, आपका 97 2003 मतलब कि जो पुराना फॉर्मेट है .xlsx का वो फॉर्मेट हम इसको यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि .xlsx को सपोर्ट नहीं करते, तो उस केस से पुराने SQL सर्वर जो होते हैं वो सब वगैरह, तो हम वहां पे .xls का ही फॉर्मेट लेते थे, आपको इस फॉर्मेट में हमें फाइल को सेव करना हो। उसके बाद टेम्पलेट के बारे में मैंने आपको बताया ही था, अगर टेम्पलेट मैको से रिलेटेड है तो मैको एनेबल टेम्पलेट इस्तेमाल करें, या टेम्पलेट सिर्फ पुराने फॉर्मेट में ओपन होना चाहिए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीडीएफ में करना है तो पीडीएफ पता है आपको, मान लो आपने एक रिपोर्ट उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके किसी को भेजना है तो इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं सीएसवी फॉर्म, सीएसवी फॉर्मेट समझते हैं आप जी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, हाँ, तो उसको सेव करेंगे इस्तेमाल करें, जैसे गूगल में कॉन्टेक्ट वगैरह, तो आप अपने मान लीजिए कि आपके जो कॉन्टेक्ट वगैरह है गूगल में पड़े हुए हैं उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो उस आपका सीएसवी फॉर्मेट में, या फिर आप अपलोड करना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हो। पता है गूगल कॉन्टेक्ट बारे में पता है ना सर आपको, जो मतलब बैकअप वाले जो होते हैं, नहीं जैसे जितने भी कॉन्टेक्ट सारे मेरे गायब हो गए जी, लेकिन मैं क्या करता था जब भी मोबाइल फोन को सेव करता था, जब कोई नई कॉन्टेक्ट में सेव करता हूँ तो उसको सेव करता हूँ फोन में नहीं, आपने जीमेल पे गूगल पे, वैसे मान लीजिए मुझे कॉन्टेक्ट जब न्यू करते हैं यहाँ देखा आपको सेव टू, यहाँ पे फोन नहीं मेरा क्या है ईमेल आईडी, राइट, तो इससे क्या होगा अगर कल के जब फोन गुम होता है तो इसको डाउनलोड करते हैं और इसको यूज कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम मार्केटिंग वाले इसे इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास 500 नंबर्स आए हैं, हम उनको व्हाट्सएप में या कुछ में ऐड करना है, तो मोबाइल फोन पे एक एक करके 500 नंबर को ऐड करना तो काफी टफ हो जाएगा, राइट, तो उस केस में हम गूगल कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सीएसवी फॉर्मेट में रखेंगे उसको हम अपलोड, सही, ठीक है। क्लियर सर? जी जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े जी। तो यहाँ पे आते हैं, तो ये आपका फाइल, तो फाइल के फॉर्मेट्स वगैरह जान गया जी बिल्कुल, प्रिंट के बारे में मैं आपको पेज लेआउट में सिखाएंगे और बाकी शेयर वगैरह है ये चीजें कोई खास नहीं है, पब्लिश वगैरह है बीआई टूल्स में पब्लिश कर सकते हैं आप इसको, अकाउंट में आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं, जी मैंने लॉग इन कर रखा है, जो ऑफिस 365 वगैरह यूज करते हैं जी, मैं काम उसी पे करता हूँ,
उसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है ऑप्शन। ऑप्शन में हम चीजें चेंज, सेटिंग चेंज करते हैं। अब तीसरी चौथी क्लास में हम आपको सेटिंग पढ़ा रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि जब भी हम कोई नई चीज लेते हैं ना सर, उसकी सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे आप फोन ही खरीदते हो, उसका वॉलपेपर, उसका रिंग टोन वगैरह हम अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो सेम चीज यहाँ, जैसे कि इसमें अब इसमें क्या कई सारे कैटेगरीज है, इसमें सारे चीज नहीं बताऊंगा, जो हमें जरूरत है वो बताएंगे। जैसे कि स्क्रीन टिप स्टाइल, अभी जैसे मैं लास्ट क्लास याद होगा कि हम जब कर्सर रखते हैं तो मुझे इसके बारे में एक छोटी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डिटेल में जाने के लिए टेल मी मोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ मिल जाता है। दो केसेस में मैं इसको डिसेबल कर देता था। पहले केसेस में मैं इंटरव्यू लेता था उस समय कि कोई भी तुक्का ना लगा सके, ठीक है सर, अंदाजा ना लगा सके। दूसरा कि दूसरा हम यूज करते थे जब हम टेस्टिंग करते थे, टेस्टिंग करते थे तो उस समय मान लीजिए कहीं भी कुछ गलत हुआ तो उसको हाईलाइट करके उसकी स्क्रीनशॉट लेके हम मेल करते थे, लेकिन काफी ज्यादा काम होता था तो उसी पे कर्सर आ जाता था तो पीछे के एरिया छुप जाता था। जैसे ये छुप गया ना सर, अब मैं इसकी स्क्रीनशॉट लूंगा तो अगर किसी को मेल करूंगा तो पीछे के एरिया विजिबल नहीं होगा, नहीं होगा ना सर, तो फिर से दोबारा लेना पड़ जाता था। तो उस केस में हम यहाँ एक्सेल ऑप्शन में जाता था और डॉन शो स्क्रीन टिप्स करता था। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है वेन क्रिएटिंग न्यू वर्जन। आपका जो डिफॉल्ट फॉन्ट है, डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज है, डिफॉल्ट आपका व्यू है, तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यूपी गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट में गया था ट्रेनिंग देने के लिए, तो उनसे मैंने पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या होती है, तो उन्होंने बोला कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हिंदी टाइपिंग करने। बोलते मैं 90% काम हिंदी में होता है, सारे फॉर्मेट, सारे प्रिंट आउट प्रोग्राम हम हिंदी में लगते हैं, तो क्या होता है कि हर सेल का फॉन्ट जाकर चेंज करना होता है। तो मैंने उनको बताया कि आप यहाँ से हिंदी फॉन्ट कर लीजिए, आपका एक्सेल का डिफॉल्ट फॉन्ट हिंदी हो जाएगा, जब आपको इंग्लिश में लिखना होगा देन आप फॉन्ट चेंज कीजिएगा। ऐसी फॉन्ट की साइज, यहाँ पे व्यू कि आपका नॉर्मल व्यू चाहिए क्या चाहिए। दूसरा ये वन वन जो दिख रहा है क्या है, देन द क्रिएटिंग द न्यू शीट्स। और जब भी कंट्रोल एन करके नया फाइल लेते हैं तो उसमें तीन या एक फाइल होती है, वो यहां से डिसाइड होती है कि तीन होनी है या एक होनी है। okay. तो इसमें जैसे कर्सर ले आते हैं तो आपको दिखता है 1 to 255। तो 1 to 255 जो है वह एक नंबर ऑफ सीट की लिमिटेशन नहीं है, एक बार में 255 सीट आप ले सकते हैं, इसकी लिमिटेशन है। सीट लेने की लिमिटेशन नहीं है, लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड योर सिस्टम कैपेसिटी। उसके बाद यहाँ पे अब बात आती यूजर नेम की, ऑथर नेम माफ कीजिएगा। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जब कर्सर रखते थे हम इसके बारे में इसकी डिटेल्स पता चलती थी, उससे पता चलता था कि फाइल किसने बनाया। अब आपके सिस्टम में हो सकता है कि आपका ऑथर नेम जो हो या यूजर नेम जो हो, आपकी लॉगिन आईडी हो, जो विंडोज का लॉगिन आईडी होता है, तो समझ में अब आपका अपना पीसी पर्सनल है तो चलो आप नाम रख लोगे, लेकिन ऑफिस में जो शेयरिंग पीसी वगैरह होती है उसमें माई कंप्यूटर या एडमिन वन, यूजर वन, इस तरह से होता है या, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस की बैकग्राउंड कलर क्लाउड है, क्लाउड है इसलिए क्लाउड दिख रहा है। आप इसमें कुछ और करना चाहते हो तो और कर सकते हो। अब यहाँ पे कलरफुल, जैसे मैंने दे दिया डार्क ग्रे, और मेरा ऑफिस डार्क ग्रे का हो जाएगा। ओके, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे मैं कर दिया ब्लैक, तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। राइट, ठीक है सर। तब ब्लैक लग गया। ऐसे उस समय कलरफुल कर दीजिए तो कलरफुल, या व्हाइट है इसमें व्हाइट कर दे तो सारा व्हाइट हो जाएगा। सही। और यहाँ पे
मैंने कलरफुल कर दिया तो एक कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन एक्सेल ऑप्शन में ये हमारे कलरफुल सेटिंग। तो हम बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला में सबसे पहले आपका आता है R1C1 रेफरेंस स्टाइल, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं ये आपका 1 2 3 है, ये आपका ABCD है, ये दोनों आपको 1 2 3 हो जाए। यहाँ पर MTN दिख रहा है ना सर जी, देखिए अब क्या हो जाएगा R10 C30 रो 10 कॉलम 30 स्टाइल। हाँ मतलब कि रो 1 कॉलम 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 2 रो 4 कॉलम 5 जी। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, कुछ को आइडिया है आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे इसकी? नहीं आज तक तो कभी यूज नहीं किया। मैंने इसका यूज किया था एक CA फॉर्म में, एक बार क्या यूज था कि CA फॉर्म में मेरे पास एक डेटा था जिसकी हेडिंग जो थी वो तकरीबन 200 कुछ थी। ओके तो 200 की दो नीचे भी था तो 200 प्रिंट आउट निकालना तो मुश्किल था। कुछ भी कर लें कितना भी छोटा कर लें तो नहीं निकलेगा ना जी। तो यहां देखिए थोड़ा तक ही दिख रहा। अब दूसरा था कि मुझे इसको बॉस ने बोला कि एक काम करो प्रिंट आउट निकाल लो और चार्ट पेपर पे इसको अरेंज करके दे दो, मैं इसको नक्शे जहां प्रिंट होता है वहां प्रिंट निकाल लूंगा। तो हमें प्रिंटर लेने की एक कॉपी के लिए प्रिंटर हम क्यों लें? तुमने बोला कि मुझे एक चार्ट पेपर पे सारे पेज को सिक्वेंसली अरेंज कर दो, फिर उसको हम चार्ट पेपर इसमें फोटो स्टेट को एक बड़े चार्ट पेपर पे मैं इसको फोटो स्टेट करवा लूंगा, ठीक है। अब दिक्कत आ गई कि भाई कैसे करें, क्योंकि 14 के बाद तो सीक्वेंस है ना। अब यहाँ मान लीजिए कि कुछ कुछ होता है सिटी यूजर नेम वगैरह वगैरह, तो उसके बाद कौन सा आएगा इसलिए कंप्यूटर में देखना होता फिर करना होता। देखिए ऐसे बहुत सारे पेजेस थे और बहुत सारे रिपोर्ट्स थे सबकी करनी थी और हमें इसमें बाकियों की मदद भी चाहिए। तो हमने क्या किया कि पेज लेआउट में गया और मैंने इसको इसकी हेडिंग जो दिख रही है इसकी प्रिंट पे क्लिक कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जब मैं प्रिंट लिया तो मेरी हेडिंग ऊपर दिखने ऊपर प्रिंटेबल हो गए। अब इसे प्रिंटेबल हो गया तो अगला प्रिंट 13 के बाद 14 होगा तो 14 ऊपर ही चले वो नेक्स्ट पेज पे प्रिंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कुछ डेटा दे देता हूँ तो सब आपको समझ में आएगा। प्रिंट आउट तो निकाल लेंगे, मतलब कि उसको अरेंज करने में उनको सहूलियत होती, उसको एक चार्ट पेपर पर चिपकाने में सहूलियत होती। जिसकी हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 13 तक हुआ, अब ये नेक्स्ट पेज आपका होगा वो आप ये देखिए हुआ, ये आपका 34 तक हुआ। पर एक पेज आपका पहली पेज जो है ये देखिए पहली पेज है 1 से लेकर 33 और 1 से लेकर 30, दूसरी पेज है 1 से लेकर 13 है लेकिन 34 से लेकर 41, तो 34 से 41 इस पेज के नीचे आएगा, इस यहाँ इसके नीचे चपकेगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद अगला आ गया आप 14 से 26 शुड आई ट्राई पेज 1 के बगल में 1 to 33। तो इसका इस्तेमाल हमने किया सही सही ठीक है ना वो सर। इसके बाद तो प्रिंट आउट निकालने में आसानी होती, बस इसका यूज हमने यही किया था, इसके अलावा कोई नहीं किया था। और काम हो गया था, अब मैं इसको वापस सही कर देता हूँ। अब दूसरा जैसे कि आप कुछ टाइप करते हैं तो यहाँ कुछ भी गलत टाइप होता है तो कॉर्नर पे एक दिख रहा है आपको कॉर्नर पे ये लगा जाता है, तो इसका होता है इस पर कन्वर्ट टू नंबर करेंगे तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा।
राइट लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर नंबर में कन्वर्ट हो रहा है तो हर बार ऐसा करना पड़ेगा? मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा बार बार करने की जरूरत नहीं, मेरे एप्लीकेशन से हट जाए। तो आप इसको एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे और यहां फॉर्मूला से अनेबल बैकग्राउंड एरर चेक, एरर चेकिंग, एरर चेकिंग को अनचेक करें। ओके ठीक है। तो लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ आपके सिस्टम में होगा, थर्ड पार्टी के सिस्टम में जाएगा तो उसके पास नहीं होगा। क्योंकि तो आपने जो चेंजिंग कर रहे हैं आप अपनी एप्लीकेशन में चेंज कर रहे हैं। सही है। ऐसी प्रूफिंग में आपका आता है इग्नोर अपर केस लोअर केस ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं तो एक चीज और आता है सर, आप कभी किसी की ईमेल आईडी आप लिखते हैं आपने एक्सेल में तो क्या होता है? आप डेटाबेस बना रहे हैं और किसी की ईमेल आईडी लिखा kumar@ippindia.com, जाहिर सी बात लिखेंगे तो एंटर मारेंगे तो इस पे एक हाइपरलिंक बन जाता है। जी डेटाबेस में ऐसा होना गलत बात है, काफी ज्यादा इटरेट करता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके तो एक्सेल ऑप्शन में हम प्रूफिंग पे जाएंगे और यहां पे हम इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक अनचेक करते हैं। ओके अब मैं यहां पे कुछ भी लिखूंगा, जैसे लिखा kumar@ippindia.com, नहीं हुआ सर? क्लियर है? जी जी तो इस तरह की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़े जी। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं सेव। सेव सेव में अब इसमें एक दो चीज है जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या आपने जब सेव किया था तो डिफॉल्ट आपका पाथ क्या आया था? माय डॉक्यूमेंट। जी तो हर बार आपको माय डॉक्यूमेंट चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर हमने कंट्रोल एस कर दिया तो यहां पे मान लीजिए आप डी ड्राइव सी ड्राइव अलग अलग फॉर्मेट में सेव करते हैं तो हर बार आपको ये करना पड़ेगा ना जी, ब्राउज एंड गो टू दैट पाथ। हां ठीक है। तो उस केस में आप यहां एक्सेल ऑप्शन पर और यहां आप इस पे सेव पे सेव और यहां से अपना पाथ चेंज कर। ओके और इससे पहले हमने बताया था कि हम डिफॉल्ट हमारा वर्कबुक होता है लेकिन हर बार वर्कबुक होने पे दिक्कत होती है, दिक्कत आपके सामने हुई होती है कि हर बार आपको चेंज करना होता है। तो अगर कभी कभी क्या है कि गलती से अगर मैंने मान लीजिए चेंज नहीं किया तो हमारा फाइल अगर गलती से मैक्रो वाली फाइल अगर एक्सेल वर्कबुक में सेव हो गया तो सारे मेरा काम लॉस्ट हो जाएगा मैक्रोस। जी तो यहाँ हम यहाँ पे मैक्रोस को सिलेक्ट करते हैं जो फॉर्मेट आपको लेना है डिफॉल्ट और सेट हो जाएगा।
ठीक है जी। दूसरा था आपका इसमें शेयर में ऑटो रिकवरी क्या होता है सर जी, अगर फाइल क्लोज होगी गलती से तो वो सेव कर लेती है। हाँ, तो हर 10 मिनट की गलती से नहीं, हर 10 मिनट में आपकी फाइल सेव होती रहती है, सेव होती रहती है, और सिस्टम की गलती के कारण बंद होता है, आपकी गलती नहीं, सिस्टम की गलती के कारण। नहीं एग्जैक्ट, हाँ जी वो उसी की बात कर रहे थे। ठीक है, मतलब सिस्टम हैंग होकर बंद हो गया, एक्सेल आपका अचानक लाइट चली गई या अचानक कुछ हो गया, तो उस केस में करते हैं। ठीक है, तो ये टाइमिंग घटा या बढ़ा सकते हैं? सही, और ये हमारा लोकेशन अभी दिखना हो कि आप कहाँ है, इसका यूज कर सकते हैं आप। राइट, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत बड़ी फाइल, मतलब कि 300, 400, 500 MB की फाइल आपने ओपन की है, और वो बड़ी फाइल को जब आप ओपन करती है तो हर 10 मिनट पे वो फाइल सेव होती है, ऑटो रिकवर के लिए सेव होती है। राइट, तो हर 10 मिनट पे आपके फाइल को क्या करेगा, वो हैंग कर। सही, ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर फाइल को डिसेबल कर सकते हैं फॉर द ऑटो रिकवर। अच्छा, ओनली फॉर वन ऑफ स्पेसिफिक वर्कबुक के लिए। ओके, ठीक है, उसके बराबर यहाँ पे हम एडवांस पे आते हैं। एडवांस में छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि एंटर मारते हैं तो कर्सर डाउन जाता है, डाउन की जगह राइट लेफ्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से पॉइंट जैसे ड्रैगिंग कर ड्रैग कर देते हैं ना, तो यहाँ से ड्रैग पॉइंट को हटा सकते हैं। इस तरह से इसमें और भी चीजें हैं, एक बार सर इसको देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, जो आपको जरूरत की होगी उसको देख लीजिएगा, जो जरूरत की नहीं होगी उसकी कोई बात नहीं है, वो दिक्कत होगी तो मुझसे आप कल की क्लास में पूछ लीजिए। और कल से हम आपकी होम मेनू स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, होम मेनू हम आपकी कल से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, मुझे आपका आप जो याद है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ जब तक मैं ऑफिस से निकलता हूँ तब तक बैंक बंद हो जाता है। कल थर्सडे को बैंक 8 बजे तक खुले होते हैं, तो कल मैं आपने बोला था ना बेस्ट अकाउंट में भेज देने के लिए। शाम को जाना पड़ता है मुझे, आज पिछले 2-3 दिन से मैंने आपको कहा ना कि हालत ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पर नहीं मैं आज कल मैं आपका 100% कर दूंगा। कोई बात नहीं, जैसे ऐसे आप अपने सुविधा के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन बेस्ट स्टूडेंट से भेज सकते हैं सर। हाँ नहीं, मैं वही कर ऑनलाइन में अकाउंट्स में करना पड़ेगा मुझे, मैं आज ट्राई करता हूँ दिन में अकाउंट क्रिएट कर। मेरे पास रेमिटली है लेकिन वो सिर्फ बैंक अकाउंट में भेजती है। हाँ तो बैंक अकाउंट में भेज दीजिए ना सर, मैं उस देखता हूँ, लेकिन वो 4-5 दिन लगाते हैं। मैं आज ऑप्शंस थोड़ा वो करता हूँ क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं आज करता हूँ। ठीक है सर, जैसा वो बता दीजिए। ठीक, आप अपने सुविधा अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, चले, कोई नहीं।